नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। एक बार फिर से आपका मुसाफिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सभी का मैं इस चैनल पर एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ। अभी हाल ही में फ्रेंडशिप डे बीता है, तो फ्रेंडशिप डे यानी कि हम अपने दोस्तों के साथ उस दिन को मनाते हैं या अपने दोस्तों के लिए उस दिन को समर्पित करते हैं। तो देखिए, दोस्ती बड़ी ख़ास चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ में, क्योंकि दोस्त जो है एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी के बेहद करीब होते हैं। तो इसी टॉपिक से जुड़ी है आज की ये कहानी, दोस्ती। दोस्तों, ये कहानी है रॉनी और मिस्टर जेड की। मिस्टर जेड एक 70-75 साल के बुज़ुर्ग आदमी होते हैं और रॉनी एक 4 साल का लैब्राडोर डॉग होता है। तो रॉनी जो है वो एक शेल्टर होम में रहता है और मिस्टर जेड वहाँ विज़िट करते हैं। तो उनको एक ही नज़र में, पहली नज़र में जो है रॉनी से कुछ प्यार सा हो जाता है, तो वो रॉनी को अपने साथ घर ले आते हैं। तो पहले कुछ एक दो हफ्ते जो है रॉनी थोड़ा सा घुल मिल नहीं पाता है ज़्यादा, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता है रॉनी और मिस्टर जेड की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है, उनका प्यार इतना गहरा हो जाता है कि रॉनी अब मिस्टर जेड के बगैर रहना नहीं चाहता, कि उनके बिना रहना उसका मुश्किल हो जाता है। वो रहता नहीं है, ना खाता उनके बिना। तो अब जो दोनों काम करते हैं साथ में करते हैं। सुबह वॉक पे जाते हैं तो रॉनी अपनी लीश लेके आता है और मिस्टर जेड के साथ रोज़ सुबह 6 बजे वॉक पे निकल जाता है। उसके बाद उसको मालूम है, उसको खाना दिया जाता है, तो मिस्टर जेड के साथ ही जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं तब वो खाना खाता है। ऐसे ही ये जर्नी चलती रहती है। तो ये सिलसिला तकरीबन 1.5-2 साल चलता है। उसके बाद मिस्टर जेड की तबीयत बिगड़ जाती है और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर वो इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। ये सुन के सबको बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन रॉनी जो है उसको जो है कुछ अलग ही सदमा पहुंचता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि ये हुआ तो हुआ क्या। वो मिस्टर जेड को देखता है तो वो जा करके उनको चाटता है, उनको उठाता है अपने मुंह से, कभी उनको पाँव मार के उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर जेड अब अलविदा कह चुके होते हैं। तो रॉनी वहीं उन्हीं के पास बैठ जाता है और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं कि ये बेजुबान जानवर कितना ज़्यादा प्यार करता है इनसे, कैसे अपनी अफेक्शन जो है वो दिखा रहा है उनकी तरफ। तो जब मिस्टर जेड अपनी आखिरी यात्रा पर निकलते हैं, उनको जब लेके जाया जाता है, तो रॉनी बिल्कुल उनके ताबूत के साथ साथ चलता रहता है, एक पल भी वहाँ से नहीं हटता। तो अब रॉनी का ख्याल रखने के लिए मिस्टर जेड का जो बेटा होता है वो अपने साथ रॉनी को ले जाता है। तो मिस्टर जेड का जो बेटा होता है वो जब भी ऑफिस के लिए निकलता है, देखता है रॉनी तभी घर से निकल जाता है, और जब वापस आता है तो देखता है रॉनी तब भी नहीं आया होता, फिर भी आधे घंटे के बाद वापस आता है। तो ये सिलसिला काफ़ी महीने चलता है और मिस्टर जेड का बेटा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, काफ़ी लोगों से पूछता है कि भाई क्या दिक्कत हो सकती है, क्या बात हो सकती है। तो सब अपनी समझ से अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और क्योंकि रॉनी बार बार ही लेट आता है, उसका इंतज़ार करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है, तो मिस्टर जेड का बेटा थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सोचता है कि रॉनी को अब वापस शेल्टर होम छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी एक लास्ट ट्राई देने के लिए मिस्टर जेड का बेटा रॉनी के पीछे जाने का फैसला करता है कि आखिर देखूं तो सही करता क्या है। तो जब वो ऑफिस के लिए निकलता है तो रॉनी का पीछा करता है। करीब 12-15 किलोमीटर के बाद ठीक उसी जगह पर आके उनका बेटा पहुंचता है जहां मिस्टर जेड को दफनाया होता है। अब वो देखता है कि रॉनी मिस्टर जेड की कब्र पर सर रख करके लेटा होता है। वहीं पे एक वॉचमैन होता है, तो वॉचमैन मिस्टर जेड के बेटे को बताता है, इस डॉग को देखिए कैसे ये प्यार जताता है, ये रोज़ सुबह आता है और शाम को 6-7 बजे करीब घर लौटता है अपने, और ये पिछले 5 महीने से ऐसे ही आ रहा है। तो ये देख करके मिस्टर जेड की बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको अपने डिसीजन पे बहुत गिल्ट महसूस होता है, और वो रॉनी को अपने साथ ले जाता है। और फिर उसके बाद से वो रोज़ सुबह रॉनी को ऑफिस जाते हुए वहीं छोड़ कर जाता है, वो वापस आते हुए पिक करते हुए घर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब बस यही था कि जो दोस्ती है अगर सच्ची होती है ना, तो फिर कोई भी चीज़ उस दोस्ती को निभाने से नहीं रोक सकती। यहाँ तक कि मिस्टर जेड जो छोड़ के जा चुके थे, दुनिया को अलविदा कह चुके थे, रॉनी को अलविदा कह चुके थे, पर रॉनी अभी भी अलविदा कहने को राज़ी नहीं था। तो दोस्तों, दोस्ती कुछ ऐसी ही होती है। अगर आपको सही में अच्छे दोस्त मिले हैं तो आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए। और दोस्त जो हैं वो एक ऐसी चीज़ है कि वो आप खुद चुनते हैं, क्योंकि बाकी जितने रिश्ते हैं वो आपको ऊपर वाले ने बना के दिए हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आप खुद परख कर चुनते हैं, परख कर बनाते हैं दोस्त। मैं मानता हूँ कि मैं लेट हो गया हूँ, पर फिर भी इस फ्रेंडशिप डे पे आई विश यू अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए इस वीडियो पर, और शेयर करिए इस वीडियो को। मैं
मैं मिलता हूँ आपसे अगली स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।